बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 है जी द पीपल आई लव, यानी कि वो लोग जिनको मैं प्यार करती हूँ। ठीक है, ऑब्वियसली उसके अंदर हमारे फैमिली मेम्बर्स सबसे ऊपर आते हैं ना। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास है जी पेज नंबर 24 के ऊपर जो रीडिंग है वो है जी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि अपने दादा दादी के बारे में बच्चे ने ये सबक लिखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर इस सबक के बारे में जानते हैं क्या लिखा हुआ है। माय नेम इज जिया, मेरा नाम जिया है। आई लिव इन अ स्मॉल हाउस विद माय ग्रैंड पेरेंट्स, मैं अपने दादा दादी के साथ एक छोटे से घर में रहता हूँ। अच्छा, आई कॉल इट अ हैप्पी होम, मैं इसको बहुत अच्छा घर कहलाती हूँ। आई हैव वन एल्डर सिस्टर एंड अ ब्रदर हु इज यंगर देन मी, मेरे पास एक छोटी सिस्टर है और मेरे पास एक बड़ी बहन है और एक छोटा भाई है। माई पेरेंट्स टेक गुड केयर ऑफ अस, हमारे वालदैन, हमारे जो पेरेंट्स हैं, मामा पापा हैं, वो हमारा बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं। वी ऑल फील वेरी हैप्पी विथ ईच अदर, हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। अवर अंकल्स आंट्स एंड कजन्स कम एंड मीट अस, यानी कि हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, फूफो हैं, खाला हैं और हमारे जो कजन्स हैं, वो सारे हमारे घर आते भी हैं और हमसे मिलते भी हैं। वी ऑल्सो गो एंड विजिट दैम ऑन द वीकेंड और ड्यूरिंग वेकेशंस, हम भी उनके घर जाते हैं, कभी हफ्ते इतवार को चले जाते हैं या फिर हम लोग जब हमें छुट्टियाँ होती हैं हम भी चले जाते हैं। इट इज़ ऑल फन, वहाँ पर भी बहुत मज़ा आता है। देर इज़ अ स्मॉल गार्डन इन फ्रंट ऑफ द हाउस, हमारे घर के आगे एक छोटा सा गार्डन है। आई लव टू वाटर द प्लांट्स इन द इवनिंग विथ माई ग्रैंड मदर, मैं अपनी दादी अम्मी के साथ गार्डन में जो प्लांट्स हैं उनको पानी भी देती हूँ। आई ऑल्सो हैव अ वाइट किटन एज अ पैट, मेरे पास एक छोटी बिल्ली भी है और आई कॉल इट किटी, और मैंने उसका नाम क्या रखा हुआ है, किटी। ठीक है, माई ग्रैंड फादर टेल मी दैट अ हैप्पी होम प्रोटेक्ट चिल्ड्रन एंड हेल्प देम टू ग्रो देयर एबिलिटीज एंड स्किल्स, मेरे दादा वो कहते हैं कि एक अच्छा घर वो होता है जहाँ पर जो छोटे बच्चे होते हैं उनके उनकी लुक आफ्टर अच्छी की जाए, उनके अंदर जो स्किल्स हैं, उनके अंदर जो खसूसियात हैं उनको पॉलिश किया जाए और वो एक अच्छी तरह से उनका ख्याल रखा जाए ताकि वो एक अच्छा इंसान बन सके बड़े होकर। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन टू अवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स वेन दे टेल अस इम्पॉर्टेंट थिंग्स, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पेरेंट्स और अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी अपने मम पापा और दादा दादी के साथ बहुत अच्छे तरीके से रहें, स्पेशली तब उनकी बात को गौर से सुने जब वो हम लोग को कोई अच्छी बात बता रहे होती हैं, कोई इंपॉर्टेंट बात बता रहे होते हैं। आई इन्जॉय अ लॉट विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर, मैं अपने दादा और दादी के साथ बहुत मजा करती हूँ। दे टेल अस स्टोरीज एंड टीच फैमिली रूल्स एंड वे ऑफ लाइफ, वो हमें स्टोरीज सुनाते हैं, हमें घर में रहने के आदाब बताते हैं, हमें ज़िंदगी के रहने के तरीके बताते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद फिर आ जाते हैं ये ऑलवेज हमें जो काम और हमेशा करना चाहिए और जो कभी भी नहीं करना चाहिए, रिस्पेक्ट एवरीवन एट होम, घर में हर किसी की इज्जत करें। डोंट मीट स्ट्रेंजर, मतलब अजनबी लोगों से ना मिलें। हेल्प योर पेरेंट्स टू कीप द होम क्लीन एंड टाइडी, अपने पेरेंट्स की मदद करें कि घर को साफ सुथरा रखने में। डोंट एक्सेप्ट ईटेबल्स और गिफ्ट फ्रॉम देम, यानी कि स्ट्रेंजर्स के पास से हम लोगों को कुछ भी नहीं लेना चाहिए, कोई खाने पीने की कुछ भी नहीं। शेयर योर रूटीन विथ योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ अपनी रूटीन शेयर करनी चाहिए। डोंट गो आउटसाइड योर होम विदाउट परमिशन, परमिशन के बगैर घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं वर्ड मीनिंग पर, वर्ड मीनिंग के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहला है जी हमारे पास वेकेशन, वेकेशन का मीनिंग है जी होलीडे यानी कि छुट्टी का दिन। लिविंग रूम कहते हैं बैठने की जगह वाली जगह को। प्रोटेक्शन कहते हैं टू सेव समवन फ्रॉम हार्म, किसी बुराई से किसी हादसे से बचने को प्रोटेक्शन कहते हैं। इंपॉर्टेंट यानी ग्रेट वाली बहुत अहम होना, स्ट्रेंजर वो लोग जिनको हम लोग नहीं जानते। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं यहाँ पर। ये देख लीजिए, वो ऊपर पोइम है तो वो आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, यस, लेट मी सेटल। यस, व्हाट इज अ हैप्पी होम, अ हैप्पी होम कौन सा होता है? द प्लेस वेयर वी लिव विद अवर फैमिली, जो ऐसी जगह जहाँ पर हम लोग अपनी फैमिली के साथ रहते हैं उसको हम लोग हैप्पी होम कहते हैं। व्हाट इज द इन फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने क्या था? देयर इज अ स्मॉल गार्डन इन फ्रंट ऑफ द हाउस, एक छोटा सा गार्डन था। हु इज किटी, किटी कौन थी? मैंने बताया ना किटी कौन थी, जिया हैज अ किटन
एज अ पेट शी कॉल इट किटी। जिया के घर एक बिल्ली थी, इसका नाम उसने किटी रखा हुआ था। विच हेल्दी हैबिट शुड अडॉप्टेड इन अवर डेली लाइफ, कौन कौन सी हेल्दी हैबिट्स हम लोग को अपनी रूटीन में अपनानी चाहिए। वी शुड ऑल ईट फूड फॉर गुड हेल्थ, एंड वी शुड स्पेंड टाइम विद अवर फैमिली फैमिली बिकॉज दे हेल्प अस टू ग्रो इन अवर एबिलिटीज एंड स्किल्स। ठीक हो गया जी, तो ये था क्वेश्चन आंसर्स। अब आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज के ऊपर। तो ये हमारे पास है जी, गिवन बिलो आर टू बॉक्सेस एंड मैच लेबल्स, अपने पास दो बॉक्सेस हैं उनको मैच करना है। माउंटेन एक वर्ड बन गया, डार्कनेस एक वर्ड बन गया, लेटर लेटर ठीक है, ग्रामर और पर्सन, ठीक है कि ये वर्ड्स बन गए। अच्छा उसके बाद फिर हमारे पास है जी अंडरलाइन द फ्रेज, आपने फ्रेज को अंडरलाइन करना है। तो ये देख लीजिए, ही इज राइटिंग अ ब्यूटिफुल येलो शर्ट। ब्यूटिफुल येलो शर्ट जो है वो हमारे पास एक फ्रेज है। आई लाइक ईटिंग अ रेड एप्पल, रेड एप्पल ठीक है वो फ्रेज है जी। शी इज शाउटिंग फ्रॉम शूटिंग फ्रॉम द हिल टॉप, फ्रॉम द हिल टॉप एक फ्रेज है। शी लेफ्ट हर पप्पी ऑन द रोड साइड, ऑन द रोड साइड जो है वो हमारे पास एक फ्रेज है। माई कंप्यूटर इज ऑन द राइट साइड, ऑन द राइट साइड जो है वो एक फ्रेज है जी। ठीक हो गया जी, समझ लगी यहाँ तक। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, ये तो हमारे पास है जी ये कंट्रैक्शन। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन प्रेजेंट परफेक्ट यूजिंग कंट्रैक्शन, आप लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना है और प्रेजेंट परफेक्ट में लिखी हुई है, आपने इसको स्क्वीज करके लिखना है ठीक है जी, यानी शॉर्ट फॉर्म के फॉर्म में। आई हैव ईटन एन एप्पल, आई हैव देखिए कैसे लिखा हुआ है। यू हैव फिनिश योर वर्क, यू हैव ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, फिनिश योर वर्क ठीक हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास दे हैव गोन होम, तो ये देख लीजिए कैसे लिखा हुआ है। उसके बाद फिर आ जाते हैं ही हैज रिटन अ लेटर, ही इज रिटन अ लेटर ठीक है। राइट द फॉलोइंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को, अब आप लोगों ने जो नेगेटिव कंट्रैक्शन के अंदर लिखना है, तो ये देख लीजिए, ये आप लोगों के सामने मैंने शो कर दिया है, ये देख लीजिए। ठीक हो गया जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। और नेक्स्ट पेज है जी हमारे पास मस्कुलाइन फेमिनाइन और ऑब्जेक्ट न्यूटर के बारे में ठीक है। मस्कुलाइन कहते हैं मेल को, जब हम लोग किसी बॉय की बात कर रहे होंगे, मेल की बात कर रहे होंगे ठीक है, तो वो हमारे पास मस्कुलाइन आ जाता है। जैसे फादर है, ब्रदर है, हॉर्स है, अंकल है, कॉक कहते हैं मुर्गे को, ग्रैंड फादर है, गूज है ठीक है, ये सारे क्या है, ये मस्कुलाइन है। फेमिनाइन कहते हैं फीमेल को, मोथ है, सिस्टर है, मेयर है, आंट हैन है, ग्रैंड मदर है और गीज है ठीक है। ऑब्जेक्ट न्यूटर क्या होता है, ऑब्जेक्ट न्यूटर होता है यानी कि ना वो मेल में आ रहा है ना फीमेल में आ रहा है ठीक है। बुक है, जिसमें कजन है, डॉक्टर है, बोट है, बेड है, चिकन है और स्टूडेंट है ठीक हो गया जी। अच्छा उसके बाद फिर आप लोग ने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अंडरलाइन करना है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो होता है ना, वो सब्जेक्ट के बाद वाले जितना भी पोर्शन होता है वो सारा प्रेडिकेट होता है ठीक है। जहाँ कैट तक जो है, कैट जो है वो सब्जेक्ट है, और सिटिंग इन द गार्डन ये हमारे पास प्रेडिकेट है। ईटिंग एन एप्पल, ईटिंग जो एप्पल जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट है और ईटिंग जो है वो प्रेडिकेट है। ही जो है वो सब्जेक्ट है। वॉचिंग अ टीवी शो वो क्या है हमारे पास, प्रेडिकेट है। सन तक, ही सन तक वो सब्जेक्ट है। और प्लेइंग इन द ग्राउंड प्रेडिकेट है। ड्राइवर जो है वो सब्जेक्ट है। सिटिंग द इन हिज कार प्रेडिकेट है जी। ठीक हो गया जी, समझ लग गई। अच्छा उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। और बस यहाँ पर आई थिंक से यस हमारा लेक्चर एंड हो जाता है। तो ये था आज का लेक्चर, होप्स आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और जाते जाते बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक तो पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी वीडियो में, दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते चैनल को मत सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आज का लेक्चर आप सबको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।